नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए विषय के साथ आया हूँ। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों नीतिकारों ने जगह जगह पर इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। यह नियम बुरी बातों पर ही नहीं अनेक अच्छी बातों पर भी लागू होता है। जैसे कहा गया है कि अति दानवृत्ति के कारण बाली को पाताल में बंधना पड़ा। संभव है कि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए जो किसी असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतरण होते हैं, यह नियम आवश्यक ना माना जाए, पर सर्वसाधारण के लिए सदैव मध्यम मार्ग संतुलित जीवन का नियम ही उचित सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का यानी माध्यम मार्ग का आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उद्देश्य किया है। बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे चलने वाले अविष्ट लक्ष्य तक पहुंचने से पिछड़ जाते हैं, परंतु जो मध्यम गति से चलते हैं वह बिना थके बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है, आगे की जमीन को टटोल कर उस पर एक पैर जमाता है। जब देख लेता है कि कोई खतरा नहीं है, उस पर बोझ रखकर पिछले पैर को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूरा कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो वह गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में मुंह के बल गिर सकता है और अपने प्राण को गंवा सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का कार्य ना करे तो पानी की विस्तृत धाराओं को देखकर डर जाए तो नदी पार नहीं कर सकता। हाथी बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने भारी भरकम शरीर का ध्यान रखते हैं, नदी पार करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, पानी की विस्तृत फैलाव को समझते हैं। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपने कार्य को गंभीरता पूर्वक आरंभ करते हैं। जहाँ खतरा दिखता है वहाँ से पैर पीछे हटा लेते हैं और फिर दूसरी जगह होकर रास्ता ढूंढते हैं। इस प्रकार वह अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। मनुष्य को भी हाथी की इस बुद्धिमानी से सीख लेनी चाहिए और अपने कार्य को मध्यम गति से पूरा करना चाहिए। विद्यार्थी कितनी ही उतावली कर एक दो महीने में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, कर भी लेगा तो उसे जल्दी भूल जाएगा। कर्म कर्म से नित्य काल में पूरी हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में बनी रहती है। पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी सभी अपनी नित्य अवधि की परिपक्व फल के देने लायक तथा वृद्ध होते हैं। यदि उस नियति गतिविधि में जल्दबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्य को पूरा करना चाहिए। बहुत खाना भूख से ज़्यादा खाना बुरा है, इसी प्रकार बिल्कुल ना खाना भूखे रहना बुरा है। अति का कंजूस होना ठीक नहीं, पर इतना दानी होना भी किसी काम का नहीं कि कल खुद को ही दाने दाने का मोहताज होना पड़े। आलस्य में पड़े रहना भी हानिकारक है, पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रहकर जीवन शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं। कुबेर बनने की तृष्णा में पागल हो जाना या कंगाली के दिन में काटना, दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं। अगर आपको नित्य मिठाई खाने को मिले, उससे अरुचि के साथ साथ दस्त भी शुरू हो जाएंगे। भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल ना हो तो चमड़ी पीली हो जाएगी। बहुत घी खाने से मंदाग्नि हो जाती है, पर यदि बिल्कुल घी खाने को ना मिले तो खून खराब हो जाएगा। बिल्कुल कपड़े ना पहनो तो सर्दी में निमोनिया हो जाना और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है। पर जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं उनका शरीर आम की तरह पीला पड़ जाता है। बिल्कुल ना पड़ने से मस्तिष्क का
विकास नहीं होता, पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। घोर, कट्टर, असहिष्णु और सिद्धांतवादी बनने से काम नहीं चलता। दूसरों की भावनाओं का आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है। अंधभक्त बनना या अविश्वासी होना दोनों ही बुरी हैं। विवेकपूर्वक हंस की भांति निरसिर का अन्वेषण करते हुए ग्रहण और अग्रहण को थक करना ही बुद्धिमानी है। देश, काल और पात्र के भेद से नीति, व्यवहार और क्रिया पद्धति में भेद करना पड़ता है। यदि ना करें तो हम अतिवादी कहे जाएंगे। अतिवादी आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं, पर नेतृत्व नहीं कर सकते। आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रकृति उसी ओर होनी चाहिए। पर सावधान, कहीं अपरिपक्व अवस्था में ऐसी बड़ी छलांग ना लगाई जाए जिसका परिणाम स्वरूप टांग टूटने की यातना सहन करनी पड़े। कड़े कार्य को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है। मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवान का होता है। उतावली करने वाले छचोरों या रेंगने वाले आलसी नहीं। महत्वपूर्ण सफलता वह प्राप्त करते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जो विवेकपूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं, जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते हैं। नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्ति के द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्य का संपादन होता है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।